शहर के सकदरा थाना अंतर्गत कुख्यात अपराधी आबू का रिश्तेदार बताकर खंडनी वसूलने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पुराने टायर विक्रेता मुशरान अहमद वल्द मुस्ताक अहमद उम्र 26 साल, शेख समीर शेख बाबूलाल उम्र 20 साल और विधि संघर्ष बालक को हिरासत में लिया है। पूरा मामला ऐसा है कि सकदरा पुलिस थाना हद में आने वाले ताजबाग परिसर में फरियादी शेख रहमान शेख इब्राहिम उम्र 30, आरोपी मुशरान अहमद वल्द मुस्ताक अहमद शेख समीर शेख बाबूलाल ये तीनों पुराने टायर बिक्री का काम करते हैं। फरियादी शेख रहमान शेख इब्राहिम इनका टायर बिक्री का काम अच्छा शुरू होने की बात पर आरोपी मुशरान अहमद वल्द मुस्ताक अहमद शेख समीर शेख बाबूलाल ने कुख्यात आरोपी आबू का रिश्तेदार बताकर 10,000 की खंडनी मांगी। खंडनी मांगने पर विवाद बढ़ गया और आरोपियों द्वारा शेख रहमान शेख इब्राहिम पर चाकू से वार कर घायल किया। पुलिस ने दो आरोपियों के साथ एक विधि संघर्ष बालक को हिरासत में लिया है। एक फिरेदी आहे शेख रहमान शेख इब्राहिम, वय 30 वर्ष, राणा राजत कॉलनी, मोठा ताजबाग, सकरदरा। याचा टायर, जुन्या टायरचा खरेदीचा विक्रीचा व्यवसाय आहे आणि त्याच्याच धंद्यातलं ज्याच्यात आरोपी आहे मुशरान अहमद वल्ड मुस्ताक अहमद, वय 26 वर्ष, आणि दुसरा शेख समीर उर्फ शेख बाबूलाल, हे पण टायरच्या व्यवसायात आहेत। यांच्या आपसामध्ये धंद्याच्या स्पर्धेमधून वाद आहेत। त्याच्यामध्ये येथील आरोपी नंबर 1 ने फिर्यादीला धमकी दिली की तेरा बहुत धंदा जोर से चल रहा है और तुझे हमें फिरौती देने पड़ेंगी, खंडनी देने पड़ेगी, असं म्हणून त्याच्याकडे 10,000 रुपयाची मागणी केली होती। याने पैसे द्यायला नकार दिला, त्यामुळे आरोपी 1, 2 आणि 1 विधी संघर्ष बालक त्यांच्यासोबतचा यांनी कट रचून येथील फिर्यादीला डोक्यावर, कानाच्या मागे, पाठीवर चाकूने वार करून दिवे मारण्याचा प्रयत्न केला, त्याला जखमी केले। आता फिर्यादीवर उपचार चालू आहेत, त्याचा प्रकृती धोक्याच्या बाहेर आहे। यातील फिर्यादी किंवा आरोपींचं कुठलंही क्रिमिनल रेकॉर्ड नाही आहे आणि आरोपी अटक झालेले आहेत। एक और कुख्यात आरोपी आबू की तलाश आज भी पुलिस कर रही है तो दूसरी ओर उसी आबू के नाम से शहर में डरा धमका कर खंडनी वसूलने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है ताकि भविष्य में इस तरह का वाकया ना हो। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।